कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तो वो अपने पेरेंट्स से हमारी बात करवाते हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगा शायद इसी ने भी इसीलिए मुझसे बात करवाई कि मेरे फादर को कन्विंस करो कि मैं एक ड्रॉप और लेना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगा। पर उसने कहा कि सर आपने मुझे पहचाना, तो मेरा जवाब ये था कि मैं फ़ोन पे कैसे पहचानूँ, पहले बताओ तो इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को। बोले सर मैं हुमेरा, मैं यूपी से आई थी, आपके वहाँ बूस्टर कोर्स हुआ था, उसको मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे एकदम से हिट किया, मैंने कहा हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। कि सर मुझे लास्ट राउंड के अंदर MBBS सीट अलॉट हो गई है, अरे वाह, और मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल अन अकेडमी कोडर डायरीज। आज मैं बैठी हूँ परवेज खान सर के साथ। सर से आज मैं जानना चाहती हूँ कि उनके पिछले 22 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में उनके जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, तो हर एक के स्टूडेंट की कुछ ना कुछ कहानी रही होगी। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले स्टूडेंट्स ने किस तरीके से तरक्की हासिल की है, क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए फिर भी उन्होंने ओवरकम करते हुए अपनी तरक्की को हासिल किया है, अपनी जीत को हासिल किया है, तो ऐसी कुछ कहानी सुनने आज मैं परवेज़ खान सर से आ गई हूँ उनके स्टूडेंट्स की। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच श्रुति। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइफ में ऐसे हैं कि हर तरह के बच्चे जो हैं वो पढ़ाने को मिले हैं और बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन मैं जिन बच्चों का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, ये वो लोग थे जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को ओवरकम करके इन्होंने जीत हासिल की। माय फर्स्ट एग्ज़ाम्पल बिलोंग्स टू फागुन सिंह बया। फागुन सिंह बया एक छोटे से गांव से आने वाला बच्चा था, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, और वो अपने शहर आता है और मुझे आज तक भी मतलब आई थिंक मैं उस क्लास को याद कर सकता हूँ जिस क्लास में पहले दिन वो बैठा हुआ था। तो होता ना एक जोश होता है कि यार ठीक है मैं चल रहा हूँ और मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आया और पहले दिन फर्स्ट रो में बैठ गया। अच्छा, और मज़ेदार चीज़ ये थी कि जिस बैच में उसने एडमिशन लिया वो इंग्लिश मीडियम बैच था, okay. और वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्कूलिंग। hmm. तो वो काफ़ी जो होता ना डिफरेंस होता है हिंदी मीडियम के बच्चों में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में, तो या तो उसने अपने आप को इन्फीरियर फील किया, पता नहीं उसके जहन में क्या ऐसी बात आई कि वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकेंड क्लास से पीछे बैठा बिल्कुल आखिरी। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली। तो बीइंग ए टीचर मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि शायद ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद दी अदर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि मुझे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना था, तो ड्यूरिंग दी क्लास मैंने उसको बुलाया और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा था उस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद उसको बोर्ड पे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला, सोल्यूशन बनाने के बोला क्वेश्चन लिखने के बाद। तो मुझे आज तक याद है कि चौक था और ब्लैक बोर्ड था, तो वो चोक को पकड़ के ऐसे उसके वाइब्रेट कर रहे थे हाथ। अच्छा, ही इज नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लेटर ऑन द बोर्ड। काफ़ी मैंने उसको समझाया, काफ़ी मोटिवेट किया, बाकी बच्चों ने भी मोटिवेट किया, पर वो नहीं लिख पाया। फिर मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, पास वाला रूम खाली, उस पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ये चोक लो और वहाँ जाइए सोल्यूशन पूरा लिख के आइए, मैं चेक करने आ रहा हूँ। हाँ। उसने चौक लिया, वो रूम में जाता है और कुछ ही देर में वापस आ जाता है। तो मैंने कहा क्या हुआ कि सर मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, आप चेक कर लें। तो परफेक्टली सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया विद इन दी फ्यू मिनट्स। अच्छा, तब मुझे लगा कि इसके अंदर जज्बा है कुछ करने का, इसको आता तो है पर ये अपनी एबिलिटी शो नहीं कर पाता। तब देखो क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों को नर्चर करने के। तो मैंने कुछ बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि यार तुम इससे फ्रेंडशिप रखो, ये बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हें भी फायदा होगा और साथ में इसको आपको बूस्ट करना है कि क्या होगा अगर छोटे से गांव से चल के आया है तो। ठीक है, तो फागुन उनके साथ रहने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो आइसोलेट हो गया। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम आजकल जो बच्चे थे बाकी वो भी ठीक थे पढ़ने, कि आजकल जो है तुम क्यों अलग से रहते हो? तो उसने एक लाइन बोली थी कि सर मेरी ज़िंदगी का मकसद और चैलेंजेस अलग हैं और इन लोगों की ज़िंदगी का मकसद और चैलेंजेस अलग हैं। वाओ। हाँ,
और उसकी वो लाइंस मेरे जहन में आज भी हैं कि सर मेरे दादाजी जो थे वो खेत पर एक टपरी बना करके वहाँ सोते थे, मेरे पिताजी गांव में कच्चे मकान में सोते हैं और मैं एक बड़े बंगले का ख्वाब देख के आया। अरे वाह। और मुझे वो अचीव करना है। उसने पूरे साल तैयारी की, बहुत सिस्टमेटिक मेहनत की, कभी उस लड़के के चेहरे पे मैंने मायूसी नहीं देखी। अगर वो उसके मार्क्स ड्रॉप होते थे तो वो खुश होता था। और मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी टीचर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये सब टीचर्स इंक्लूडिंग मी, ये बच्चों के चैलेंज से सीखे हैं पढ़ाना ना। आपको सामने वाला बच्चा जब ज़बरदस्त चैलेंज देता है तो आप उसी तरीके से उसको लेते हो, बहुत पॉजिटिव वे में आप हार्डवर्क करके क्लास के अंदर एंटर करते हो तो आपका खुद का सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होता है। True. बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है, उनको नर्चर कैसे करना है, उनको मोटिवेटेड कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें आप उन्हीं से सीखते हो। और आई थिंक ये अकेला प्रोफेशन है, दुनिया का एक वाहिद पेशा है, वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आप मेहनत किसी और के फ्यूचर को बनाने के लिए करते हो पर बंधा आपका है। मतलब अगर सोचने वाले के लिए बहुत बड़ी बात कि आप किसी और बच्चे के फ्यूचर के लिए बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका खुद का फ्यूचर भी साथ साथ बनता चलता है, तो इससे बेहतर कोई पेशा नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। खैर, फागुन ने बहुत अच्छे से मेहनत की, फागुन की रैंक टॉप 50 में थी उस टाइम पे, AIEEE एग्जाम होता था। उसने IIT एडवांस दिया ही नहीं था। अच्छा। उसने ट्रिपल ही दिया था, सिर्फ IIT दिया ही नहीं था, उसने ट्रिपल ही दिया था। मुझे भी इतना पता है कि आज से 2 साल पहले मेरा उससे कांटेक्ट हुआ था, 2 या 2.5 साल के आसपास का टाइम था। तब वो US के अंदर सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहा था और बहुत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो गाँव से आने वाला ऐसा बच्चा जो एक मकसद लेके आया और जीत के निकल लिया, ठीक है, हम कह देते हैं कि यार IIT टॉप पर बच्चा है या टॉप 100 के अंदर रैंक लाने वाला बच्चा है, उसके साथ देखो क्या है ना, वो किसी ने कहा है कि ज़िंदगी एक एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के अंदर ऑर्डिनरी एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ऑर्डिनरी एग्ज़ाम के अंदर अगर आप किसी की कॉपी से कॉपी भी कर लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे और आप पास कर लोगे, लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर, ज़िंदगी के एग्ज़ाम के अंदर हर इंसान का पेपर अलग अलग है। आपका पेपर अलग है, मेरा पेपर अलग है, किसी और का पेपर अलग है। पेपर इन द सेंस ये हुआ कि उसकी फैसिलिटी, उसकी सरकमस्टेंसेस अलग है जिसमें उसकी परवरिश हुई है, आपकी अलग है। तो आप अगर किसी को कॉपी करने लगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। तो आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आप अपने खुद के पोटेंशियल को पहचानिए, उस पर ईमानदारी से मेहनत कीजिए और ज़िंदगी में जीत हासिल करने का जज्बा रखिए, आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। वेरी ट्रू सर। तो वो बच्चा भी एक मकसद लेके आया था और अपने मकसद में कामयाब हुआ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। सो गाइज, हमने देखा कि सर का स्टूडेंट ने किस तरीके से कितने छोटे शहर से आकर इतना नाम कमा लिया एंड यू नो इतना सक्सेस पा ली। तो सर आप मुझे बताइए एक और ऐसी स्टोरी, आई एम श्योर दैट हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अभी काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे इस चीज़ को सुनते हुए। तो गाइज, एक और स्टोरी मैं आज सर से सुनती हूँ, लेट्स सी कि एक और कौन से स्टूडेंट की स्टोरी जो है सर आज बताने वाले। तो सर एक और स्टूडेंट ऐसा आप मुझे बताइए जिसको यू नो जिसके लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस आए एंड उसने भी उसको ओवरकम करके सक्सेस पास की और आई कैन से सक्सेस हासिल की। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा एक बच्ची का जो 2016-17 वाले टाइम पर नीट एग्जाम 2 बार हुआ था। okay. एक ही साल के अंदर। अच्छा। और दोनों एग्जाम्स के बीच में करीबन 62 या 63 डेज का विंडो था, तो उस टाइम पे कुछ छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स लोगों ने करवाया था। okay. हमने भी उस शॉर्ट टर्म में पढ़ाया था। तो ये एग्जाम्पल मैं अक्सर क्लासेस में कोट करता हूँ और स्पेशली उन दिनों कोट करता हूँ जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होते हैं। तो हुआ ये कि उसमें जब मैं पहली क्लास लेने गया तो मैंने बच्चों को कहा कि 60 days इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम, इफ़ यू विल डू सिस्टमेटिक हार्ड वर्क डेफिनेटली यू विल ग्रैब योर सीट, आप अपनी सीट ले लेंगे और आप मेडिकल के अंदर एंटर कर जाओगे। तो जब मैं इस तरह की बात कर रहा था तो क्लास के बाद एक बच्ची मेरे पास आती, उससे बोलती सर ये सब लोग जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं इस कोर्स के अंदर, ये सारे के सारे बच्चे 2 साल कोचिंग किए हैं 11th 12th के अंदर,
किसी ने ड्रॉप भी लिया हुआ है, और मैं अपने गांव से चल के आई हूँ। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 11 ट्वेल्थ किया, और मेरे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं जितने इनके क्लियर हैं। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अगर 60 डेज में सिस्टमेटिक हार्डवर्क करूँ तो क्या मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, तो बीइंग ए टीचर तो मुझे यही कहना है कि हाँ हो सकता है। और उसने जो दूसरी बात बताई वो ज़्यादा बड़ी चैलेंजिंग थी कि मेरे घर में आज तक कोई भी लड़की 12वीं क्लास के बाद कॉलेज नहीं गई। हमारे घर में ये एक तरह से ट्रेडिशन है कि 12वीं क्लास तक लड़कियाँ पढ़ती हैं, उसके बाद प्राइवेट उनको बीए करवा दिया जाता है, बाद में उनकी शादियाँ हो जाती हैं। मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने बायोलॉजी ली। मेरे घर वालों ने पूछा भी नहीं कि बायोलॉजी क्यों ले रहे। मेरे पापा एक छोटे से गांव के अंदर एक गली के नुक्कड़ पे छोटी किराने की दुकान चलाते। अच्छा। तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि हम लोग कोचिंग कर सकते। तो जब मुझे पता लगा, मैंने पेपर में एड देखा कि ये 60 डेज का कोर्स यहाँ हो रहा है, तो मैं उनके पास न्यूज़पेपर ले गई, उनके पास मुझे मौका दीजिए 60 दिन तैयारी करने का, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लकीली उन्होंने हाँ कर दिया, उन्होंने कहा कि ये 60 डेज का टाइम तुम्हारे पास है, आप जाइए प्रिपरेशन कीजिए, अगर आप अपनी सीट हासिल कर लेती हैं तो आपको कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया जाएगा, अदरवाइज़ फिर आप जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करना। तो मेरे पास ये 60 ही दिन अपनी ज़िंदगी बनाने के। तो वो जो 60 डेज की विंडो थी उसको यूज़ करना था उसको। देखिए मेहनत हमेशा बच्चे ही करते हैं। वी आर कोच, वी आर गाइड्स, हम एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, बच्चों के एफर्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, एक मुश्किल टॉपिक को सिंप्लीफाई करके पढ़ा सकते हैं, उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हार्डवर्क उन्हीं का होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको और कोट करना चाहूँगा इस स्टोरी को ख़त्म करने से पहले, कि अगर किसी टीचर या कोचिंग के पढ़ाने से सक्सेस मिल जाती तो ऐसा कौन कोचिंग का डायरेक्टर या मालिक या टीचर है जो नहीं चाहता कि उसके खुद के बच्चे कामयाब ना हो। तो ऐसे कितने कोचिंग हैं जिनके आप डायरेक्टर के बच्चों को देखिएगा, या बड़े बड़े जो टीचर्स हैं नामी उनके बच्चों को देखिएगा कि उन्होंने टॉप किया, बहुत कम मिले, है ना। तो मेहनत तो बच्चे को करनी होती है। अगर हम बात करें कि टैलेंट रोनाल्डो में है या उसके कोच में है, तो रोनाल्डो में टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को सिखाने वाले का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। सचिन के अंदर टैलेंट था ना कि उनके कोच आचरेकर के अंदर टैलेंट था। अगर आचरेकर के अंदर टैलेंट होता तो पता नहीं कितने सचिन बना चुके होते। तो बच्चों की मेहनत होती, उस लड़की ने बहुत ज़बरदस्त हार्डवर्क किया 2 महीने। मुझे याद उस साल MBBS का लास्ट कट ऑफ उसने जो मुझे बताया था मोपअप राउंड के अंदर, पहले मैं उसकी एक बार कहानी ख़त्म करता हूँ, कि वो एक दिन मैं क्लास मेरी लास्ट क्लास छोड़ के घर पहुँचा तो मैंने देखा मेरे फ़ोन के अंदर 10-12 मिस्ड कॉल हैं किसी एक नंबर से। तो मैंने कॉल बैक किया, कॉल बैक किया तो उसके फादर ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाने के बाद वो कहने लगे कि मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है। तो मैंने बात की, उसने मुझे विश किया, और जस्ट शी क्राइड विश करने के बाद। मुझे लगा था क्या हो गया भाई। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स से हमारी बात करवाते हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगा शायद किसी ने भी इसीलिए मुझसे बात करवाई कि मेरे फादर को कन्विंस करूँगा, मैं एक ड्रॉप और लेना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगा। पर उसने कहा कि सर आपने मुझे पहचाना, तो मेरा जवाब ये था कि मैं फ़ोन पे कैसे पहचानूँ, पहले बताओ तो इंट्रोड्यूस करो अपने आपको। बोले सर मैं हुमेरा, मैं UP से आई थी, आपके वहाँ बूस्टर कोर्स हुआ था, उसको मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे एकदम से हिट किया, मैंने कहा हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। कि सर मुझे लास्ट राउंड के अंदर MBBS सीट अलॉट हो गई, अरे वाह, और मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। अरे वाह। तो उन 60 दिनों में वो डेली जो उसको एक टास्क दिया करते थे उसको उसने सिस्टमेटिक पूरा किया, और 60 डेज के अंदर वो अपने सपने को यहाँ पर पूरा करके चली जाती। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस आपको एक्चुअली चैलेंजेस लगते हैं वो वास्तव में चैलेंजेस हैं नहीं, चैलेंजेस को मुश्किल आप खुद ही बनाते हैं और आसान भी आप खुद ही बनाते हैं। आप ज़िंदगी में एक बात याद रखिए कि आप यहाँ कोटा क्या लेने आते हैं, आपकी ज़िंदगी को बनाने आते हैं, तो असल टास्क आपका वही होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ, तो मुझे जो करना है वो हर हाल में करना है, जो नहीं करना है वो कभी नहीं करेंगे। तो अगर कुछ रूल्स बना लेंगे, कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स बना लेंगे, सिस्टमेटिक हार्डवर्क करेंगे, तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। और बाई चांस उसके बावजूद भी इतनी मेहनत के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिलती तो याद रखें ऊपर वाला कुछ बेहतर देना चाहता है, ठीक है। सो
और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ बच्चों ने मेहनत की लेकिन उनकी कंडीशंस अलग थी, उनकी परवरिश इतने अच्छे स्कूल्स में हुई, उनको सिस्टमेटिक ट्यूशंस मिली, उनको गाइडेंस बहुत अच्छा मिला, उनकी फैमिली के अंदर ऑलरेडी डॉक्टर्स या इंजीनियर थे, उन्होंने हर कदम पर उनको गाइड किया, तो फिर वो डिज़र्व करते हैं टॉप रैंक के लिए। तो जिसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है, फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो टॉप रैंक के लिए हार्डवर्क करता है। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं तुम्हें से पूछता हूँ कि आप जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट करवाने, तो कभी आप उससे पूछा कि आपकी रैंक बताइए नीट के तभी इलाज करूँगा? नो सर। है ना, तो जब लाइफ की सक्सेस की बात करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो नीट में फर्स्ट रैंक लेकर आ रहा है और जो आखिरी सीट ग्रैब करने वाला बच्चा है, दोनों का कंपेरिजन करें तो इन फ्यूचर हो सकता है कि लास्ट सीट उठाने वाला बच्चा फर्स्ट रैंक वाले से बेहतर डॉक्टर बने। क्योंकि आप कितना अच्छा डॉक्टर बनेंगे या कितना अच्छा इंजीनियर बनेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने फील्ड को कितना एंजॉय करते हो, अपने काम के लिए कितना पैशनेट हो। और वो एक लंबी जर्नी है, वो एक साल में ख़त्म नहीं होती। सो सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि निराश ना हो, एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है और आज से जुड़ जाएं, अच्छे से मेहनत करें, रात दिन हार्डवर्क करने के बाद, चलो आज से आप शुरुआत करते हैं, रात दिन हार्डवर्क करने के बाद भी बाई चांस इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो जो आप इतनी मेहनत करेंगे ना, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको टॉप रैंक दिलाने में हेल्प करेगी। नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अगर हार मान के बैठ जाओगे कि यार ठीक है मेरा तो सिलेक्शन हो नहीं होता सा नज़र आ रहा है मुझे अब मेहनत नहीं करनी ठीक से, तो इस बार भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं और अगले साल भी गारंटी नहीं। सो लीव योर कम्फर्ट जोन, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में डालो। मुश्किल में डालने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को इतना परेशान कर लो कि ज़िंदगी मुश्किल लगने लगे, खुश रह के पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, सिस्टमेटिक हार्डवर्क करें, डेफिनेटली आपके सपने ज़रूर सच होंगे। ओके वाओ, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी विद अस। तो गाइज हमने देखा एक और ऐसी स्टूडेंट जिसने मात्र 60 दिनों में अपना यू नो MBBS में एडमिशन ले लिया। कैन यू इमेजिन गाइज 60 डेज। तो गाइज टाइम मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितना कम टाइम है, अगर आप में जज्बा है, जुनून है, लगन है कि हाँ मुझे करके दिखाना है, तो आप उस विल पावर, उस डिटर्मिनेशन के साथ अगर एक्शंस भी ले रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। सो अभी भी आपका नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप ये चीज़ मत सोचिए कि टाइम बहुत कम रह चुका है, रादर इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे सिलेक्शन की तरफ जाना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। आपके हार्ड वर्क, अपने डिटर्मिनेशन उस तरफ ले जाइए, ना कि ये सोचते हुए कि ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर सच मोटिवेटिंग स्टोरी, एंड जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा लगा होगा दोनों ही स्टूडेंट्स की स्टोरी सुन के। सो गाइज एक ऐसी स्टोरी आपकी भी होगी, आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते होंगे, कुछ ना कुछ आप डेली लाइफ में फेस करते होंगे, तो अगर ऐसी कोई स्टोरी नहीं है तो आप इतना हार्ड वर्क कीजिए कि आपकी भी एक दिन ऐसी स्टोरी बन जाए एंड परवेज खान सर मुझे आपकी भी ऐसी एक दिन स्टोरी बता रहे हो, राइट सर? बिल्कुल ठीक बात है, और हर बच्चे के साथ ज़िंदगी में छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं। याद रहे कि जो अभी आपको चैलेंजेस लग रहे हैं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको हंसी चलेगी कि जो कभी मुश्किलें थी नहीं उनको मुश्किल समझ बैठे। बिल्कुल सर, ठीक है। सो उम्मीद है सब लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने करियर के लिए हार्ड वर्क करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड मोटिवेटिंग अस विद योर स्टोरीज। थैंक यू। सो गाइज हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।